उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का आध्यात्मिक शहर वृंदावन, जिसमें स्थित है एक सुंदर अलौकिक कृष्णमयी और प्रेम से परिपूर्ण प्रेम मंदिर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन से ट्रैवल गांव के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के प्रतीक के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया और साथ ही ये भी कहा कि जो भी श्रीधाम वृंदावन की पवित्र भूमि पर आएगा उसे इस प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए आना ही होगा। प्रेम मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। इस मंदिर का कोना कोना कृष्णमयी और प्रेम से परिपूर्ण है। मंदिर में प्रवेश करते ही बाहर के प्रांगण में आपको श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की अनेक झांकियों के दर्शन होंगे। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्प कला के पुनर्जागरण का एक जीता जागता उदाहरण है। अभी मैंने आपको प्रेम मंदिर के बाहर की झांकियों के दर्शन करवाए, चलिए अब मैं आपको प्रेम मंदिर के भीतर ले चलता हूँ। यह मंदिर बाहर से देखने में जितना भव्य लगता है, अंदर से भी उतना ही भव्य और अलौकिक बनाया गया है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि मंदिर के भीतर प्रवेश करने के लिए आपको मंदिर की एक परिक्रमा करके ही अंदर प्रवेश करना होगा। प्रेम मंदिर का नज़ारा इतना अद्भुत है कि इसे देखकर कोई भी राधे राधे कहे बिना नहीं रह सकता।
प्रेम मंदिर इतना दिव्य बनाया गया है कि इसकी अलौकिक छटा भक्तों का मन मोह लेती है। इसमें भक्त वैसे ही खींचे चले आते हैं जैसे श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लिया करते थे। प्रेम मंदिर की भव्यता रात में कई गुना अधिक बढ़ जाती है। रात में मंदिर की लाइटिंग कई रंग बदलती है, वही झांकियां भी एक्शन करती हुई नजर आती हैं। पूरा परिसर जगमगा उठता है। प्रेम मंदिर में श्री राधा कृष्ण की छवि बहुत ही प्यारी है, जिनका दर्शन करके बहुत ही सुकून और शांति मिलती है। और मंदिर के अंदर का प्रांगण एक अनोखी ढंग का है और सजावट भी निराली है। प्रेम मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही दाहिनी ओर है निशुल्क जूता घर, जहां आप बिना पैसे दिए अपने चप्पल और जूतों को सुरक्षित रख सकते हैं और प्रेम मंदिर के परिसर की सुंदरता को बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रेम मंदिर की दाहिनी ओर जहां फाउंटेन शो होता है, ठीक उसी के बगल में उपाहार गृह यानी कैंटीन बना हुआ है, जहां सात्विक, स्वच्छ और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन वाजवी दाम पर मिलता है। यदि आप वृंदावन दर्शन के लिए जाते हैं तो मेरा सुझाव है कि अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो शाम को 5 बजे से 6:30 बजे का समय, और यदि आप गर्मियों में जाते हैं तो शाम को 7 बजे से 8:30 बजे का समय प्रेम मंदिर के लिए रखिए। और प्रेम मंदिर के कृष्णमयी और प्रेम से परिपूर्ण कोने कोने का आनंद लीजिए, जहां पर प्रेम मंदिर तो सुंदर अलौकिक बना हुआ ही है, मगर जो झांकियां बनी हैं प्रेम मंदिर के बाहर और जो फाउंटेन का लाइटिंग शो होता है वो देखने लायक है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नए रास्तों पर एक नई मंजिल की ओर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।